गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर रूबी बंसल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक टॉपिक पर बात करते हैं जो कि है कि अगर किसी महिला को HIV पॉजिटिव डिटेक्ट होता है तो जो उसके बच्चे हैं क्या उनका टेस्ट करना ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और पिछले कुछ दिनों में मेरे पास कई सारी महिलाएं ऐसी आई हैं जिन जो HIV पॉजिटिव हैं, बच्चों का टेस्ट कराना नहीं चाहती हैं, तो बच्चे बड़े हैं तो क्या कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ और काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस है HIV ट्रीटमेंट का, HIV डायग्नोसिस का और HIV मैनेजमेंट का। तो हमने जितना भी देखा है कि जितना भी किसी भी एज में अगर जो है HIV डिटेक्ट होता है, प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि HIV आपको अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है। HIV का वायरस 10 से 15 साल और 20 साल तक आपकी बॉडी में रह सकता है और जब तक की टेस्ट नहीं कराएं तो पता नहीं चलेगा कि HIV है। तो इसीलिए लेटर स्टेज में जब HIV का पता चलता है किसी ना किसी कारण से, चाहे वो किसी सर्जरी के लिए जाना हो, चाहे वो यूट्रस रिमूवल हो, स्टोन हो या कोई बीमारी हुई हो और लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर हो जिसके लिए एडमिशन हुआ हो और तब HIV का पता चलता है इन महिलाओं में, तो उनके बच्चे जितने भी हैं, चाहे दो हैं या तीन हैं या किसी भी एज के हैं, वी प्रिफर कि उनका सबका HIV टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि HIV माँ से बच्चे में फैलता है अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लें। तो जो अनडायग्नोस्ड केस होते हैं तो हो सकता है कि वो किस टाइम जो है उनका डायग्नोसिस हुआ, मे बी किसी बच्चे की डिलीवरी के टाइम पर हुआ या किसी बच्चे की डिलीवरी के टाइम पर भी वो HIV था और बच्चों को ट्रांसमिट हो गया हो, माँ ने बच्चे को फिट भी कराया हो, तो वो ट्रांसमिशन हो सकता है। तो टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है एंड टेस्ट कराना चाहिए एटलीस्ट। हर उसका दोनों फैक्टर हैं, मेडिकल भी और सोशल भी, दोनों कारण हैं। मेडिकल कारण यही है कि अगर किसी वजह से वो बच्चे में भी इन्फेक्शन है तो उसका डायग्नोसिस समय से हो चुके बिफोर की बीमारी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाए। सोशल कारण ये भी है कि आज के समय में जो यंग जनरेशन की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, सेक्सुअल बिहेवियर है और जो फ्रीडम है सेक्स को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर इस तरह के बच्चे अपनी वजह से किसी इंडल्ज होते हैं और इन सेक्सुअल एक्टिविटी में और HIV उनको हो जाता है, तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये माँ से बच्चे में आया या बच्चे ने खुद एक्वायर किया। तो इसलिए सोशल फैक्टर भी है, सो टुमारो दे शुड नॉट ब्लेम और दे शुड नॉट आर्ग्यू कि हमें जो है अब हमारी माँ से मिला है और हमारी कोई गलती नहीं थी या वट एवर रीज़न। तो इसलिए HIV का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, 6 और 7 मेरे पास इस तरह के मरीज हैं जिनकी माँ लेट डिटेक्ट हुआ और सम हाउ दे मिस कि बच्चों में नहीं टेस्ट कराया और लेटर स्टेज पर हमें जाके पता चला जब बच्चे की हालत काफ़ी ख़राब हो गई कि बच्चे को भी HIV पॉजिटिव है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और ऑल दो नेशनल गाइडलाइंस अभी इस बात को बहुत महत्व नहीं दे रही हैं, तो जब भी हाँ हर पॉजिटिव मदर जिससे भी बच्चा पैदा होता है उसका टेस्टिंग ज़रूर होता है, ड्राई स्पॉट भी होता है और एंटीबॉडी टेस्ट भी 18 मंथ पर होता है, परंतु बड़े बच्चों के टेस्ट की कोई गाइडलाइंस नहीं है। परंतु अपनी सेफ्टी के लिए आपको अपने बच्चों का, अगर माँ पॉजिटिव है और या दोनों पार्टनर्स पॉजिटिव हैं, तो बच्चे का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर सिर्फ मेल पार्टनर पॉजिटिव है और माँ नेगेटिव है तो बच्चों के टेस्ट का उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिशन मदर टू चाइल्ड होता है, माँ से बच्चे में जाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग या बाद में भी, क्योंकि माँ बच्चे के क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है। तो इसलिए हर बच्चे का टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट कोई बहुत कॉस्टली नहीं है और अनलेस टेस्टेड इस बीमारी का पता नहीं चलता है। तो ये मैसेज मैं ज़रूर स्प्रेड करना चाहूँगी सभी लोगों को, सभी यंग जनरेशन को और सभी पेरेंट्स को जिनके यहाँ कोई भी अगर मदर पॉजिटिव किसी भी कारण से निकलती है, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, कोई भी कारण से पॉजिटिव निकलती है, तो दैट हार्डली मैटर्स कि किस वजह से HIV हुआ, परंतु उसको अपने बच्चों का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए।
धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपके जो भी सवाल हैं वो मुझे इनबॉक्स करते रहिए।